सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो सिंबल है, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किया उसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया। हम इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे हर बार, हम क्या करेंगे कैपेसिटर का सिंबल ये ड्रॉ करेंगे आज के बाद, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये सिंबल है। तो इसमें इंक्लूडेड अर्थिंग है, सब हो रखी है, दिखाई नहीं जाती, पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे दिखाया जाता है। अगर बुक के अंदर एक एरो भी बनाओ कैपेसिटर पे, इसका मतलब ये एक कैपेसिटर है जिसकी वेरिएबल कैपेसिटेंस है। तो नॉर्मली हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है फिक्स, पर इसके अंदर एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हम इसको स्टडी नहीं करते, हम इसी को स्टडी करेंगे बस। ठीक, नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर मान लो आपके पास किसी भी शेप का एक कैपेसिटर है, आपके पास मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया जो इसे स्टोर करेगा Q, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके सामने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अकॉर्डिंगली एक कंडक्टिंग प्लेट को रखना पड़ेगा, तो किसी भी शेप की कंडक्टिंग प्लेट मैंने रख दी, कंडक्टिंग प्लेट के इस तरह मैंने अर्थ कर दिया, दिखाया नहीं, अर्थिंग हो रखी है। तो इस प्लस क्यू ने माइनस क्यू को क्या कर लिया, अट्रैक्ट, इंडक्शन हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन अ बॉडी। तो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव करता है। तो पॉजिटिव चार्ज ने यहां पर पोटेंशियल क्या प्रोड्यूस किया, वी प्लस, वी प्लस का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज ने क्या प्रोड्यूस किया, वी माइनस। हमने जो चार्ज दिया था वो पहली बॉडी को दिया था, दूसरी पे तो इंडक्शन से पैदा हुआ, जो हम चार्ज स्टोर करवा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, प्लस क्यू, माइनस क्यू नहीं, माइनस क्यू इंडक्शन है, हम जो चार्ज स्टोर करवा रहे हैं वो प्लस क्यू है। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप इस पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटी निकालना चाहते हैं तो पहली प्लेट का जो भी चार्ज है क्यू, इसको दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से माइनस करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को माइनस कर दें तभी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हमेशा ये रूल लगाना, बड़े में से छोटा पोटेंशियल माइनस, क्योंकि कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, कैपेसिटेंस तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, कैपेसिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ बड़ा और ये माइनस, तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक के ऊपर मान लो 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, एक के ऊपर -10 वोल्ट का पोटेंशियल, 2 वोल्ट बड़ा होगा -10 से, तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी नेगेटिव किसी भी टर्म से। तो पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करेंगे अगर चार्ज को, तो क्या रेशियो आ जाएगी, कैपेसिटेंस की। ये एक जनरल तरीका है किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस निकालने का।